26 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाले मिजलेस रूबेला टीकाकरण अभियान की तैयारियों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने बताया कि 26 नवंबर से 31 दिसंबर तक मिजलेस रूबेला टीकाकरण अभियान का संचालन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों का मिजलेस रूबेला का टीकाकरण होना प्रस्तावित है। उन्होंने इसके व्यापक प्रचार प्रसार पर भी बल दिया है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि मिजलेस अत्यधिक संक्रामण वायरल रोग है और रूबेला भी एक संक्रामण बीमारी है। वर्ष 2020 तक मिजलेस को खत्म करने एवं कंजिनेटल रूबेला सिंड्रोम को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़े पैमाने पर चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि अंतर विभागीय समन्वयन इस अभियान के लिए सफलता की कुंजी है, जिसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्वास्थ्य शिक्षा एवं ICDS विभाग की है। बैठक में ADM प्रशासन प्रभुनाथ, CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उसमें भी ऐसे स्कूलों में अभियान चला था, बहुत ही सफल रहा और पूरे भारत से वो गायब हो गए। कहते हैं यह खसरा जैसा निकल आता है, वो बीमारी है। रूबेला उससे भी खतरनाक है। प्रेग्नेंट वुमेन को रूबेला का इन्फेक्शन हो गया तो बहुत खतरा होता है। पल रहे बच्चे को वो दिव्यांग पैदा हो सकता है, उसके आँख में मोतियाबिंद पैदाइशी हो सकता है, बार बार एबॉर्शन हो सकते हैं, कैंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है। इसलिए वो बहुत ही खराब वैक्सीन, बहुत खराब वायरस है, उसी में उनके चलना है। तो उसके लिए अभी बहुत डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि एबसेंटीज बढ़ जाती हैं स्कूल में। उस दिन एबसेंटीज बढ़ जाती हैं कि फला दिन हम आपको 2 दिन पहले बता देंगे कि फला दिन आपके यहाँ वैक्सीनेशन ले जाए। वो भनक लगते ही बच्चे नहीं आते। उसके लिए फिर हम मॉपअप राउंड भी करेंगे, या जो बड़े स्कूल हैं वहाँ हमारी टीमें एक आकर और भी जाएंगी, तो करना पड़ेगा इस तरह से। तो उसके डिटेल के बारे में हमारे अध्यापकों को। थैंक यू सर। इस MR कैंपेन के लिए हम लोग टोटल हम लोग आज का ऑपरेशनल जो है और टेक्निकली चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि मैसेजेस भी आ रहे हैं, या अभी तक आपने ये डिटेल इसके बारे में नहीं सुना हुआ, लेकिन मीजल्स हम लोग आ रहे हैं कि मीजल्स ये वायरल इन्फेक्शन है और ये श्वास नली कैसे जैसे कि सिक्रेशन और हवा में से इसमें से ड्रॉपलेट जैसे से उसमें से ये फैलता है। ये जब भी छींक लीजिए स्नीजिंग होगा तब भी उसमें से वायरस निकल के साइड में जाके वो दूसरे के इसमें भी प्रवेश हो सकता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी रूट्स और सिक्रेशन से जा रहा है। इसमें ये पहचानेंगे कैसे आप, ये इसका कैसे पहचानेंगे ये खसरा है? जैसे इसमें सबसे पहले इसको तेज बुखार रहता है और 4 दिन के बाद में धीरे धीरे दाने लाल चकते जैसे आने लगते हैं। तो लाल छोटे छोटे दाने होते हैं, वो सबसे आपके मतलब कान से पीछे से वो लाल चकते शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। इसके साथ होना, लेकिन सबसे पहला तेज बुखार है। देखिए जैसे स्कूल में एब्सेंटिज्म होता है तो वायरल बोलते हैं, तो उसमें ये फीवर भी रहता है और रैशेस आने दाने दाने शुरू हो जाते हैं। ये इसको टारगेट क्यों किया गया कि हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन हम लोग मीजल्स और रूबेला ये भी वायरल इसको टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। जैसे कि इसका मृत्यु जो प्रमाण है वो 2 साल के अंदर में सबसे ज़्यादा है, और सेम इसका यदि नंबर ज़्यादा मृत्यु है तो हमें बिल्कुल इसको टारगेट करके इसको बीमारी कैसे हम लोग कम करना है इसके लिए हम लोग देखेंगे। इसके कॉम्प्लिकेशन देखिए जटिलता है, तो वो आप मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर्स भी इसको ये खसरा है या रूबेला है। जब उसका लैब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि ये रूबेला भी पॉजिटिव आ गया है। वैक्सीन का अवेलेबिलिटी सब आ गया, काफी आया नहीं इसका। इसमें लगभग हमारा गोरखपुर का टारगेट ये लगना है 9 महीने से लेकर 15 साल तक सभी बच्चों को लगना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस वैक्सीनेशन। अगर पहले वैक्सीन कोई लगा भी है, MMR लगा है, MR लगा है, मीजल्स लगा है, नो मैटर लगा है, तो भी हमारा कैंपेन में लगना ही लगना है। लगना चाहता है तो भी लगेगा अगर हाई स्कूल में। अब सर इसमें जो है 70% बच्चे लगभग स्कूल हुई हैं शहरी क्षेत्र के। सर इसको लेने के बाद इनके स्कूल की पूरी संख्या होगी तो हमें जो है माइक्रो प्लान बनाने में आसानी है। उनके इसमें हमारे 3 मेंबर्स होंगे जो आंगनबाड़ी आशा और रैना, ये तो वैक्सीनेशन का काम करेंगे, और आपके जो क्लास टीचर होंगे वो वेटिंग एरिया रखेंगे, वहाँ पे जो बच्चे एबसेंट होंगे प्रेजेंट होंगे करेंगे वैक्सीनेशन। जब तब मैं निशान लगा और उसके बाद वैक्सीनेशन कार्ड है।
इसके बाद आधा घंटा बच्चा बैठ सकेगा और उसके बाद ये खत्म होगा। अब इसके बाद जो एब्सेंटीज होगी सर, इसकी क्लासेज हमारे की उसी दिन दे देंगे।